तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इतने वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों अगले 3 से 4 मिनट के अंदर मैं आपको इस प्रोग्राम की तमाम अहम डिटेल्स बताऊंगा जो कि एडमिशन से रिलेटेड हैं और आपको हेल्प जरूर करेंगी। दोस्तों अगर आप इस कोर्स पर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है क्योंकि तमाम अहम जानकारी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। अगर कोई मिलने वाला है आपका वो भी इस कोर्स पे इंटरेस्टेड है तो उस तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाने मेरी मदद कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो के तमाम अहम नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुंच जाए, कोई भी आपकी अहम डेट मिस ना हो। दोस्तों आप बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। दोस्तों इसके ये कोर्स 2 साल का है, जैसे कि सारे मास्टर्स प्रोग्राम 2 साल के होते हैं, 4 सेमेस्टर आपको यहाँ मिलते हैं। नंबर ऑफ सीट दोस्तों 45 है, तो जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ज़्यादा सीट्स नहीं होती, इसलिए कंपटीशन तगड़ा रहता है हर कोर्स में। टेस्ट डेट इस बार 2021 के अंदर इसकी 11 अगस्त को इसका टेस्ट होगा, सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक। दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस जो है, अगर आप इस बार फॉर्म भरना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में, तो इसकी फॉर्म की फीस जो है वो 550 रुपये आपको पे करना होगी। दोस्तों इसका जो एडमिशन का रिजल्ट आएगा इस बार वो आपको 30 से 31 अगस्त तक आते हुए दिखाई देगा। दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करता हूँ मैं। दोस्तों इसके 2 पॉइंट हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स किया हुआ है विद 50% मार्क्स बोथ इन मैथमेटिक्स एंड एग्रीगेट, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स में किया हुआ है विद 50% मार्क्स बोथ इन मैथमेटिक्स एंड एग्रीगेट, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों अगर आपका इस कोर्स में एडमिशन हो जाता है तो आपको टोटल फीस जो डिपॉजिट करनी होगी वो है 7,800 रुपीज ईयरली। दोस्तों अब बात करता हूँ उसके पेपर के बारे में, पेपर का पैटर्न दोस्तों क्या है। तो यहाँ पर 100 नंबर का पेपर इस बार आएगा दोस्तों, उसमें आपके 0.25 वो नेगेटिव मार्क होंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके 4 गलत आपने आंसर टिक किए हैं तो आपका एक सही नंबर भी चला जाएगा। इसमें एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि आपको पेपर में 15% मार्क्स जो है स्कोर करना जरूरी है। अगर आपके 15% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको किसी भी कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये पासिंग मार्क्स है। उसमें उसका सिलेबस जो है, सिलेबस काफी लेंथी है, टॉपिक वाइज सिलेबस दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसको सारे टॉपिक बताना पॉसिबल नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर दिया है, तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, तो वहां पर तमाम उसके टॉपिक वहां आपको मिलेंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम अहम डिटेल्स एडमिशन से रिलेटेड मैंने आपको दे दी इस वीडियो के अंदर। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।